से, बाकी चक्के तेल अलग कराने के बाद तड़का आ रहा है और उसके बाद दोनों टूटेंगे उसके लिए रुकने के बाद निकले। दोस्तों पर्दे निकालने के बाद अपनी गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है फ्रंट से, पर्दे और खोलने के बाद जालर भी बड़े काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं चंडीगढ़। चाय वगैरह पी ली है तो अभी चल पड़े यहाँ। चल तो भाई वगैरह भी निकल रहे हैं अभी यहाँ से, काबा है जो उस साइड पे, तो खाते खाना वगैरह और नारा है। वाह क्या फीलिंग लेता है। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, किदां सारे चढ़दी कला। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रामशिला से। कल का जो ब्लॉग था हमने रामशिला में ही एंड किया था, यहीं पे सो गया था और अभी यहाँ पे उठे और फ्रेश फ्रेश होते हैं। तो हमारे पास दूसरी चौथी आसी आ गई अभी, ये कहीं रात को जाम में था, कहीं पीछे लैंड स्लाइडिंग थी वहाँ पे किसी जाम में था। मखन जी जी पहुँच चुके हैं अपने पास। तो कैसा रहा रात का सफर? बड़े बुरे हाल है जी, पूरी रात सफर में निकल गई है पीछे। तो बहुत हो चुके हैं इसमें, तंग रहे रास्ते में, कहीं पूरी रात जाम में थे तो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पीते चाय भाई और मिलते आपसे। दोस्तों आ गए हैं चाय वाले यहाँ पे, ढाबे पे टी स्टॉल है और ये आ चुकी हुई है, चाय पी रहे हैं। गाड़ी में है क्योंकि वहाँ पे यूनिट जाने के बाद ट्रक सारे इस साइड ही लग रहे हैं पूरा। फ्रेंड्स वहाँ से चाय वगैरह पी के हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे तेल करवा रहे हैं टैंकी फुल। अभी अपना तेल पंप पे, चक्के तेल अप कराने के बाद तड़का रहा है और उसके बाद दोनों टूटेंगे उसके लिए रुकने के बाद निकलेंगे सफर की ओर। तो आज एक मुझे नया काम मिला है, तेल फुल अप कराने के बाद मैं थोड़ी आगे रुका हूँ। अभी आया नहीं वो लड़का जो साथ जाएगा, पिछले शायद पिछले चक्कर में भी साथ ही था वो लड़का, वो आएगा। और मेरे को अभी थोड़ा काम दिख गया है क्योंकि अपने को आज जो झालर वगैरह थी अंदर वो निकाल रहे आज कुछ, मैं कहा नया करते हैं आज, पर्दे वगैरह जो झालर वगैरह है सब खाली खाली से कर देंगे आज, क्योंकि कुछ भरी भरी से लगमियों में ऐसा है कि ज़्यादा कपड़े ये पर्दे शर्दे कुछ गर्मी महसूस होती है, इससे खाली खाली से करते हैं। देखते हैं कैसी फीलिंग आती है, कैसा रहेगा खाली करने के बाद। अगर नहीं लगेगा ठीक तो फिर से लगा देंगे और अगर ठीक लगेगा तो ऐसे ही रहने देंगे, देखते हैं। दोस्तों पर्दे निकालने के बाद अपनी गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है फ्रंट से, पर्दे और खोलने के बाद जालर वगैरह खोलने के बाद। तो कमेंट में बताएं कि कैसी लग रही है और ऐसे ही रहने दिया जाए इसको या फिर पर्दे और जालर लगा दिया जाए, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं आप ज़रूर। सो फ्रेंड्स चल पड़े यहाँ से, अभी निकला हूँ तो जगदीश हमारे साथ आ गया है, पहले भी आपने ब्लॉग में देखा होगा जगदीश चंद जी को। तो भाई साहब नीचे से भी रोड है, क्या करें क्या समझाएं। तो निकल रहे हैं सफर पे कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स पहुंच गया हूँ ऑट में, ऑट के बाजार में, तो टनल की तरफ रवाना हो रहे हैं। रोड के हालात बहुत खस्ता है, लैंडस्लाइडिंग से बहुत ज्यादा बुरे हाल हुए पड़े हैं। टनल तो बिल्कुल अंधेरी पड़ी है। फ्रेंड्स शायद आपको कुछ दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मैं इस टाइम और टनल में हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लाइटें लुइटें बिल्कुल फुल हो चुकी है क्योंकि बाहर और पानी भी बहुत ज्यादा निकल रहा है टनल में, तो निकल रहे हैं, खौफनाक सी हो गई है टनल। दोस्तों पहुंच गए हैं हम बिंद्रावनी जो मंडी में, तो यहाँ पे रुके अब खाना खाते हैं और टाइम हो गया है 2:30 बजने को है, अभी खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद चलेंगे। तो खाना तो खाना पड़ेगा भाई, टाइम बहुत हो गया और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, कूलर भी लगा है लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं है। चलो खाते हैं खाना, निकलते हैं सफ़र पर। दोस्तों वहाँ से खाना वगैरह खा के हम निकल आए हैं और मंडी बाज़ार में पहुँच चुके हैं, अभी डिलीवरी कंटिन्यू धीरे धीरे। तो रानीबाई में पहुंचे और यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह करा रहे हैं हम गाड़ी की, तो ग्रीसिंग वगैरह अपनी हो गई है, साफ हो रहा है
फिल्टर निकाल के ले गए, तो सारे भी फिल्टर लेके तो हमने फिल्टर डाल के निकलते हैं, फिर सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। और विजय यहाँ पे इंस्टाग्राम चला रहा है बैठ के, वाह तेरे ने नखरे। तो दोस्तों ग्रीसिंग वगैरह कराने के बाद मैं पहुँच गया हूँ फोर लेन में नियर चौक वाला बाईपास पे। तो चलें धीरे धीरे, शायद आज तो अपनी गाड़ी पहुँचेगी नहीं दिल्ली, लेकिन फिर भी जहाँ तक सफ़र हो सकता है उम्मीद है अपनी अम्बाला तक निकलेंगे, कुरुक्षेत्र तक देखते हैं जहाँ तक ही निकला। हेलो गाइस, कैसे हो, मस्त हो? तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आपका जी नई फोर लाइन जो बन रही है आपकी बनी हुई है, तो एसीसी फैक्ट्री हराबाग से नीचे एसीसी फैक्ट्री को कोल डैम 10 किलोमीटर। वाओ, बस यही बात जमाने को। जहाज की स्पीड है अपनी, बड़े कैमरे भी लगे होते हैं इस पे और स्पीड मीटर भी सब बताता है कितनी इसकी स्पीड में। आगे आ गया जो गाड़ी रो नहीं रुकेगी। दोस्तों शडोल में पहुंच गए थे और यहाँ रुके थे, और विजय ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी क्योंकि इसने जीन्स की पैंट और टी शर्ट भी गर्म वाली थी, लोअर वगैरह खरीदी और टी शर्ट खरीदी है, और मच्छर अब इसको स्टार्ट हुए खाने, और यहाँ ढाबे पे चाय पीने बैठे और धुआं लग गया है। अब धुआं खा, बाद में मच्छर खाएंगे, धुआं खा, कोई एक चीज़ तो खा। तो चाय पीने रुके, चाय पीने के बाद चलते हैं। दोस्तों चल रहे अभी टाउन में लगे हैं, वहाँ चाय वगैरह पी के निकल गए, चल रहे हैं आराम आराम से। आगे ट्रक चले हुए और पीछे भी कतार लगी है, चल रहे धीरे धीरे। अरे ये अपने ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे, तो निकल रहे हैं धीरे धीरे टाउन में आराम आराम से, गड्ढे बहुत ज़्यादा है। और विजय सेठ सुन रहा है हमारा सॉन्ग, आप भी इंजॉय करें। पहुँचे हम केतपुर में और हमारे साथ एक शख्सियत है कैसी बैठी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ब्लॉगर है हमारे SST ट्रैकिंग ब्लॉग वाले, ये भाई है शरद भाई अपने, तो साथ में भाई है के जा रहे चंडीगढ़ घूमने, घूमने भी जा रहे हैं, बड़े काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे चंडीगढ़, बैठे हैं खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कितना सारे चढ़ती के अलावा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों शाम को हम कीर्तपुर में पहुँच गए थे और हमारे साथ शरद भाई थे जो यहीं पे अभी, और हम रात को यहीं पे सो गए थे और हम भी यहीं पे कीर्तपुर में। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजे के, तो अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं अगला टॉपिक है मेरा शाहबाद सेट करूँगा। तो अभी शरद भाई वगैरह चंडीगढ़ जा रहे थे, फिर ये भी यहीं पे सो गए थे गाड़ी में क्योंकि कार में आए हुए हैं, तो इन्होंने भी फिर यहीं पे रेस्ट किया शाम को, और अभी जाएंगे अपने काम पे चंडीगढ़। तो अभी करते हैं चाय बाय और उसके बाद निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो चाय वगैरह पी ली है तो अभी चल पड़े यहाँ, शरद भाई वगैरह भी निकल रहे हैं अभी यहाँ से, तो हम भी निकलते हैं सफ़र की ओर और करते हैं सफ़र का स्टार्ट। तो दोस्तों खरड़ पहुंच गया हूं और सॉरी खरड़ नहीं कराड़ी पहुंच गया हूं, और धूप लग गई है, अब धूप गर्मी भी महसूस हो रही है, और अभी ट्रैफिक तो अभी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन ट्रैफिक अभी तो बढ़ जाएगा, निकलते धीरे धीरे आगे की तरफ। तो दोस्तों उस्ताद जी अपनी गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं एक अपने दारला वाले भाई, दारला की गाड़ी है, तो हम अभी पहुंच गए हैं जी शाहबाद पहुंच गए हैं। दोस्तों पहुंच गए हूँ शाहबाद ढाबे पे जहाँ पे हमारा स्टॉपेज था, रुकना है हमने, खाना वगैरह खाएंगे बनाएंगे और यहाँ से शाम को चलेंगे। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करती है, शाम ढाबा है जो उस साइड पे, तो करते खाना वगैरह उसके बाद नहाएंगे, पहले नहाना है
खाना भी खाना है। चलो खाते खाना बनाते हैं। फाइनल दोस्तों नहाने के बाद नहा लिए और नहा रहा है। वाह क्या फीलिंग ले रहा है, जैसे भैंस तालाब में कूद जाती वैसा सिस्टम हो गया इसका। तो फाइनली मैंने कपड़े वगैरह धो दिए, तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और कपड़े कपड़े धूप में रखते हैं, खाते हैं खाना। तो गाड़ी हमने साफ वगैरह की, सफाई सफूई करने के बाद नहाने के बाद हम आ गए ढाबे पे और खाना ऑर्डर कर दिया है। और खाना खाते उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर 4-5 बजे के करीब यहाँ से चलेंगे। और अभी टाइम हो चुका है 11:30, 4-5 बजे के करीब यहाँ से चलेंगे, तो फिर निकलेंगे सफ़र की। और इसके साथ दोस्तों ब्लॉग का भी करते हैं यहीं पे एंड और स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा ज़्यादा। और रिक्वेस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। गुड बाय, गुड लक।